सभी को आदाब सलाम नमस्कार। सबसे पहले तो सभी सरपंच हजरात को मुबारकबाद देना चाहूंगा दैट एक बहुत ही सक्सेसफुल चार दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ये रहा है और हमारी देहरादून बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आके ये किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लोग आए और पीएचई डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा जिन्होंने इसको बखूबी अंजाम दिया। अभी जल जीवन मिशन के बारे में आप लोगों को इन्होंने बताया, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी के बारे में भी बताया। आज जो इधर सरपंच साहिबान और सरपंच जो फीमेल सरपंच हमारे आए हुए हैं उसमें आप लोग ये देखेंगे ज्यादातर हमने उन्हीं जगह से पहले फोकस किया जहां पे कि हमारा टेंडर सक्सेसफुल हो गया है, अलॉट भी हो गया है और काम भी शुरू हो गया है। अब इसमें ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जल जीवन मिशन का जो हमारा काम है ये हमारा काम एक साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, तो इसमें कई कारणों से डिले हुआ। लेकिन अब जब इसमें शुरुआत हो गई है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीएचई डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाया। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट कुछ नहीं है, चार लोगों की एक टीम है। इस चार लोगों की टीम में एक एडी है, एक जेई भी है, एक हमारे मजिस्ट्रेट भी है और इनके एक दूसरे स्टाफ है। हो क्या रहा है कि जहां भी कोई प्रोजेक्ट बन रहा है ऊपर वाला गांव नीचे वाले गांव को पानी नहीं दे रहा है और ये हमको पता था ये होगा क्योंकि मैं इसके पहले अरुणाचल में था। अरुणाचल में हमारे यहाँ स्कीम दो साल पहले चालू हो गई थी तो हमारे यहाँ सेम तरह की लड़ाई होती थी क्योंकि पहाड़ी इलाके में आपको पता है कि जो भी पानी का सोर्स जिसके पास होगा वो बोलेगा कि मैं अपना पानी का सोर्स नीचे को क्यों दूं। वो अलग बात है कि वो नीचे वाले के रास्ते से ही जाता है गुजर के, है ना, तो उसका इस्तेमाल उसको करना होता है। तो उसमें हम लोगों को सबको साथ लेके चलने की जरूरत होती है और उसमें सब लोगों को समझाने की जरूरत होती है कि ये पानी का जो सोर्स है ना तो ये किसी एक गांव का है, ये सब लोगों का है और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि ऊपर वाले गांव को भी कोई आने वाले समय में नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि भाई अगर वो उस पानी को ना सिर्फ पीने के बट खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे तो वो आगे भी उसको कर पाए। और इस चीज में सबको मिलके बैठ के सॉल्यूशन निकालने की जरूरत होती है। अभी नागसेनी में भी परेशानी हुई थी, सरपंच साहब ने तो मुझे कुल का भी प्रोजेक्ट एस्टिमेट दिया हुआ है तो वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते रहेंगे लेकिन अगर ये हमारा विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी अच्छे से बन जाता है तो इन सभी मुश्किलात से वो पार पा पाएगा।